हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो निफ्टी ने यहाँ अच्छा खासा रिवर्सल दे दिया है। निफ्टी बंद हुआ है लगभग 16,885 पे और यहाँ 240 पॉइंट के गेन के साथ 1.5% ऊपर बंद हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो जो पिछले वीक की कैंडल थी वो क्लियरली सिग्नल था बाउंस बैक का, और मैंने कहा भी था मेरा जो वीकली एनालिसिस है उसमें कि ये बाउंस बैक के लिए जा सकता है। यहाँ बाउंस बैक आ सकता है 17,200 से लगभग 17,600 तक। तो ऊपर की तरफ अभी मुझे जो लेवल दिख रहे हैं ऑन वीकली चार्ट, तो 17,125 उसको क्रॉस करते तो हम 17,600 तक भी बाउंस बैक देख सकते हैं मार्केट का। तो वीकली चार्ट पे क्लियरली बुलिश सिग्नल है, मगर यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 17,125-17,200 के लेवल हमें निफ्टी पे देखने को मिल जाएगा आराम से। अगर वो क्रॉस होते हैं तो 17,650 तक भी हम या फिर 600 तक भी बाउंस बैक दे सकते हैं। तो वीकली चार्ट कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग साइड रहना चाहिए, यह बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे फ्रेश बाय सिग्नल आ चुका है। अगर ये बाय सिग्नल सस्टेन करता है, और ये बाय सिग्नल सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि हम जो है तो 200 डेज का जो एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर जा चुके हैं, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा। और ऊपर जो टारगेट बनते हैं वो 17,200 और उसके बाद में 17,550, ये दो टारगेट के लिए निफ्टी जा सकता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। आपको अगर निफ्टी में डिप्स मिलता है तो 16,700 के अराउंड आपको बाय करना है। 600 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपका जो टारगेट बनेगा वो 17,200 और उसके बाद में 17,550। तो ये दो टारगेट के लिए आप निफ्टी में लॉन्ग करके जा सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ वोलेटिलिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी भी विक्स जो है तो 25-26 के लेवल पे है, तो दोनों तरफ आपको जो है तो अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और इस वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको डेली चार्ट के हिसाब से और शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड लेना है तो लॉन्ग साइड का रहेगा। 16,700 के अराउंड लॉन्ग करना है, 16,600 का स्टॉप लॉस, 17,200, 17,550, ये दो टारगेट बनेंगे आपके। और अगर ये जो बाय सिग्नल है ये फेल होता है तो वहाँ आपको फ्रेश सेल सिग्नल मिलेगा जिसका टारगेट रहेगा लगभग 15,350। अगर ये फेल होता है तो, अगर यह फेल होता है ये बाय सिग्नल, तो आपको सेलिंग साइड भी एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा। तो आपको मार्केट के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चलना है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको शॉर्ट करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है जैसे आज दिखा है तो आपको लॉन्ग साइड रहना है। और अगर आपकी पोजिशन अपोजिट साइड है तो उसको स्टॉप लॉस लगाए, या फिर जो मार्केट में जो लॉस चल रहा है वो लेकर आपकी पोजिशन जो है तो चेंज कर लिए, मगर आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ जिन्होंने शॉर्ट, मेरा भी शॉर्ट पोजीशन था, मगर हमने जो है तो ओपनिंग में ही थोड़ा सा लॉस लेके 5-6 हज़ार रुपये का लॉस लेके उसमें से निकल गए। मगर हमें जो है तो इंट्राडे में अच्छी खासी लगभग 200-300 पॉइंट की रैली मिली। ऑप्शन में भी आज जो है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत अच्छे इन्फ्लेट हो चुके हैं, तो वहाँ भी आपको जो है तो कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिला। तो यहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ता है, मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है तो फटक से आपको जो पोजीशन आपकी लूजिंग उसमें जो लॉस है वो लेकर आपकी पोजीशन चेंज कर देनी है, मगर यहाँ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और वोलेटिलिटी की वजह से जो छोटे ट्रेडर है उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा ट्रेडिंग करना, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे यहाँ सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आ चुका है, जो 200 आवर का जो एवरेज है उसके ऊपर और पिछला जो वीक का हाई था उसके ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ अगर निफ्टी में डिप आता है तो आपको 16,750-700 के अराउंड लॉन्ग करना है। आपका स्टॉप लॉस सेम 16,600 का रहेगा और जो टारगेट बनता है वो पहला टारगेट बनेगा यहाँ 17,300 का और उसके बाद में 17,400 का टारगेट निफ्टी में दिखता है एज पर आवरली चार्ट। तो आपको यहाँ डिप्स पे बाय करना है। मुझे लगता है कि जो पिछले वीक का हाई था उसको टच करने के लिए फिर से निफ्टी नीचे आ सकता है, और नीचे एवरेजेस भी रुके हुए हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो 16,750 और 700 के अराउंड आपको लॉन्ग करना है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 16,600 के नीचे स्टॉप लॉस, पहला टारगेट रहेगा 17,300 और उसके बाद में 17,400 के टारगेट हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। और यह ये जो वीक है ये ट्रंकेटेड है, फ्राइडे के दिन छुट्टी है तो हमें एक्सपायरी के दिन तक ही जितनी मूवमेंट आनी है मार्केट में उतनी पूरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा, हम डिप्स पे बाय करेंगे। 16,600 के नीचे स्टॉप लॉस, हमारा बाइंग जोन रहेगा 16,700 से लेकर 16,750 के बीच में, 16,600 के नीचे स्टॉप लॉस, 17,300 और उसके बाद में 17,400, ये मेरे टारगेट रहेंगे इस वीक के लिए।
और यहाँ जो है तो 17400 के ऊपर जाते हैं तो 17600 तक भी ये रैली एक्सटेंड कर सकती है, जो हमने वीकली चार्ट पे लेवल देखे थे। तो यहाँ मल्टीपल लेवल्स है, रेजिस्टेंस भी मल्टीपल है, तो यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट पे मार्केट मिलता है तो ही लॉन्ग कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या फिर जो है तो आपको अगर आप करंट लेवल पे पोजीशन लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा और आपकी रिस्क बढ़ेगी। आप अगर उससे कंफर्टेबल हो तो वो भी कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से सपोर्ट पे बाय कीजिए, सपोर्ट का वेट कीजिए। आज नहीं कल, आज ट्रेड नहीं मिला तो आपको कल परसों ट्रेड मिल सकता है। तो मार्केट क्योंकि वोलेटाइल रहने वाला है ड्यू टू हाई विक्स, तो आपको ट्रेड ज़रूर मिलेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी सपोर्ट के अराउंड बाय कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर मेरी जो टारगेट बनते हैं 17,300 और उसके बाद में 17,400 के टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि आप 16,700 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको डिप्स में एक्युमुलेट कीजिए। टारगेट उसमें जो है तो 2x to 3x टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इसी सीरीज में। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।